वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का मेरा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, जैसा कि तुम जानते हो, एक सिंगल सेल जो है यूज़ करने पर ज़्यादा करंट नहीं दे पाता, तो टॉर्च में हम दो तीन चार सेल यूज़ करते हैं। रेडियो सेट्स वगैरह ट्यून करने के लिए उसमें भी हम दो तीन चार सेल यूज़ करना पड़ जाता है। वो ट्वायर्स आते हैं, कई जो इलेक्ट्रॉनिक ट्वायर्स होते हैं उसमें भी हमें दो तीन चार सेल्स का यूज़ करना पड़ जाता है, उससे भी ज़्यादा शायद। तो हमें कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का यूज़ करना पड़ता है इन ऑर्डर टू गेट लार्जर अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है इसको हम बैटरी कहते हैं, ये जान लो। बैटरी में और सेल में क्या अंतर है? एक सिंगल सेल तो सेल कहलाता है, लेकिन दो या दो से अधिक सेल्स अगर सीरीज में पैरेलल में, अभी हम लोग जानेंगे क्या क्या कनेक्शंस हो सकते हैं, अगर कनेक्ट किए जाएं या मिक्स ग्रुपिंग में, तो वो बैटरी का रूप ले लेता है। और इसकी ज़रूरत हमें लार्जर अमाउंट ऑफ करंट ऑब्टेन करने के लिए करनी पड़ती है। तो पहली बात कि सेल्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं हम, तो सेल्स कैन बी ज्वाइन इन सीरीज, पैरेलल और इन मिक्स्ड वे। ठीक है, सीरीज और पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन होगा मिक्स्ड वे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सेल्स जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, वो उसमें कैसे कनेक्शन होता है। तो बहुत सारे सेल्स को इस तरह से कनेक्ट किया जाए कि एक सेल की नेगेटिव टर्मिनल दूसरे की पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हो, दूसरे की नेगेटिव टर्मिनल जो है तीसरे की पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई हो, और इस तरह से बहुत सारे सेल्स जो हैं आपस में कनेक्ट कर दिए जाए। यहाँ देखो, ये सर्किट डायग्राम में दो सेल्स हैं, इन दोनों सेल्स को हमने सीरीज में कनेक्ट करके दिखलाया है। ठीक है, तो इस तरह से देख रहे हो कि पहले सेल का नेगेटिव जो है दूसरे सेल के पॉजिटिव से जुड़ रहा है। हो सकता है कोई तीसरा सेल भी होता है इसमें, तो उसको भी हम ऐसे ही उसकी पॉजिटिव को इस दूसरे के नेगेटिव से जोड़ देते हैं। खैर, दो सेल की यहाँ बात हो रही है। दरअसल हमें करना ये है कि अगर दो या दो से अधिक सेल्स जो हैं सीरीज में अगर कनेक्टेड हैं, तो हमें इन सेल्स की जो EMF वैल्यूज़ हैं और इंटरनल रेसिस्टेंस हैं, इस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का हमें इक्विवेलेंट EMF और इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू ऑप्टेन करनी है, उनके लिए एक्सप्रेशंस ऑप्टेन करना है। ठीक से समझ लेते क्या है। तो पहले सेल सीरीज में कैसे कनेक्ट हुए माने जाएंगे ये समझ गए। तो मान लो कि हमारे पास दो सेल्स हैं, पहले सेल की EMF E1 है, उसकी इंटरनल रेसिस्टेंस R1 है, दूसरे की EMF वैल्यू E2 है, इंटरनल रेसिस्टेंस उसकी R2 है, और ये दोनों सेल्स जो हैं A और C पॉइंट के बीच सीरीज में जुड़े हुए हैं। A और B पॉइंट के बीच में पहला सेल कनेक्टेड है, इसकी इंटरनल रेसिस्टेंस को बाहर दिखलाया गया यहाँ। अच्छा, दूसरा सेल जो है B और C पॉइंट के बीच जुड़ा हुआ है इस तरह से, और दोनों सेल आपस में सीरीज में जुड़ रहे हैं, दूसरे वाले की भी इंटरनल रेसिस्टेंस को बाहर दिखलाया गया R2 को, और पहले की EMF E1 उसकी इंटरनल रेसिस्टेंस R1, दूसरे सेल की EMF E2 उसकी इंटरनल रेसिस्टेंस R2, और ये सीरीज में कनेक्ट होकर दिखलाया गया। तो हमें जो काम अभी करना है वो ये कि सीरीज में तो हो गया, ये तो हमने जान लिया। अब इस सीरीज कॉम्बिनेशन में, इस सीरीज कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट EMF हमें मालूम करनी है और इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस ऑब्टेन करनी है। ठीक है, तो मान लो कि दोनों सेल सीरीज में जुड़े हुए हैं और जुड़कर अल्टीमेटली एक एक्सटर्नल लोड, एक्सटर्नल रेसिस्टर से जुड़ रहे हैं जिसको यहाँ दिखलाया नहीं गया है, और उस एक्सटर्नल लोड से जुड़े जाने के बाद मान लो कि ये आई एम्पियर का करंट सेंड कर रहे हैं उस एक्सटर्नल लोड को। ठीक है, तो वो आई एम्पियर का करंट जो है यहाँ से निकल के उस एक्सटर्नल लोड से होते हुए फिर इस सेल में एंट्री लेगा, और आई एम्पियर का ही करंट जो है दोनों सेल से होकर के पास करेगा, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, मतलब ये कि वो जो एक्सटर्नल लोड है, मान लो कि 50 ओम का रेसिस्टर है, तो वो 50 ओम का रेसिस्टर इन दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ जो क्या कर रहा है, मान लो कि 2 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, तो वो 2 एम्पियर का करंट जो है इन दोनों सेल्स की बॉडी से होकर के पास करेगा एज दे आर इन सीरीज। तो हमें करना ये है कि अगर वही 50 ओम का एक्सटर्नल लोड जो है अगर किसी एक सिंगल सेल से जोड़ दिया जाए, और उस सिंगल सेल से जिसकी इंटरनल रेसिस्टेंस और जिसकी EMF हमें मालूम करनी है, जिसको कि हम इक्विवेलेंट EMF एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस कहेंगे, तो अगर उस 50 ओम के
रेसिस्टर को या जो भी एक्सटर्नल लोड है उसको हम अगर एक सिंगल सेल से जोड़ दें, इन दो के कॉम्बिनेशन के बजाय एक सिंगल सेल से जोड़ दें, तो अगर वो एक्सटर्नल लोड जो है उस सिंगल सेल से उतना ही करंट ड्रॉ कर पाए जितना ये कॉम्बिनेशन से वो ड्रॉ कर पा रहा है, ठीक है, तो हम समझेंगे कि वो सिंगल सेल क्या है, इक्विवेलेंट सेल हुआ इस सीरीज कॉम्बिनेशन का, और उसकी ईएमएफ जो है इक्विवेलेंट ईएमएफ कहलाएगी, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, जिसके लिए एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है, और उसकी जो इंटरनल रेसिस्टेंस होगी वो इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस कहलाएगी। तो जाहिर सी बात है इस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को चूंकि हमने ए और सी पॉइंट के बीच कनेक्ट किया सीरीज में, तो अगर इनका इक्विवेलेंट सेल ये है तो इसको भी हमें ए और सी के बीच ही जोड़ना पड़ेगा, और ये इक्विवेलेंट सेल भी आई एम्पियर का ही करंट सेंड करेगा टू द सेम लोड कनेक्टेड टू द इक्विवेलेंट सेल, ठीक है। तो मान लो कि ये जो दो सेल्स हैं किसी लोड से कनेक्ट किए जाने पर आई एम्पियर का करंट जैसे ये सेंड कर रहे हैं, तो ए और बी पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो कितना होगा, तो वी ए बी की वैल्यू बी ए माइनस बी वी इज इक्वल टू ई वन, चूँकि करंट देखो इस पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आ रहा है आई करंट, ठीक है, तो वी ए बी जो होगा वो ई वन माइनस आई आर वन होगा, ठीक है, एंड वी बी सी जो है ई टू माइनस आई आर टू होगा, वी बी सी जो है वो ई टू माइनस आई आर टू होगा, ध्यान देना आई की वैल्यू तो सेम है, तो वी ए सी कितना हो जाएगा, वी ए सी इज इक्वल टू वी ए बी प्लस वी बी सी होगा, तो वी ए सी की वैल्यू जो है वो वी ए माइनस बी सी हो जाएगी, जो कि वी ए बी प्लस वी बी सी हो जाएगी, और वी ए बी हम जान चुके हैं ई वन माइनस आई आर वन प्लस E2 टू माइनस आई आर टू हो जाएगा। इसमें ई एम एफ वाले टर्म को एक साइड कर लेते हैं, तो E1 वन प्लस ई टू ये अल्टीमेटली बी ए सी इज इक्वल टू ई वन प्लस ई टू, अब माइनस आई कॉमन हो गया, आई इंटू आर वन प्लस आर टू हो गया, मान लो कि ये इक्वेशन नंबर वन है, ठीक है। अब मान लो कि इस सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट सेल जो है उसकी इक्विवेलेंट ई एम एफ ई इक्विवेलेंट है, और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है आर इक्विवेलेंट है, तो उसको भी हम ए और सी के बीच ही कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और वो भी जो है आई एम्पियर का ही करंट उस एक्सटर्नल लोड को सेंड करेगा, तो इस इक्विवेलेंट सेल के लिए वी ए सी की वैल्यू हम लिखेंगे ई इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट लिखेंगे, ठीक है, ऐसे ही जैसे बी ए बी हमने लिखा, जैसे बी ए सी बी बी सी लिखा, वैसे ही यहाँ इस इक्विवेलेंट सेल के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, करंट की वैल्यू तो सेम होगी। तो मान लो ये इक्वेशन नंबर टू हो गया, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू तुम देखो तुलना करते हैं दोनों की, तो लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों के इक्वल हैं, तो राइट हैंड साइड में ये जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है इसकी जगह पर ई वन प्लस ई टू है इस इक्वेशन नंबर वन में, माइनस आई, तो आई की जगह आई के साथ जो एसोसिएटेड प्रोडक्ट है, जो कॉमन जो टर्म है वो है आर इक्विवेलेंट की जगह आर वन प्लस आर टू है, तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम वन एंड टू इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ई वन प्लस ई टू एंड आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, ठीक है, यानी कि इक्विवेलेंट ई एम एफ ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन सेल जो होगा दैट विल बी द इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल ई एम एफ्स ऑफ द सेल्स, एंड सिमिलरली इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स और दैट ऑफ द इक्विवेलेंट सेल इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इंटरनल रेसिस्टेंसेज, ठीक है। मान लो कि एन सेल्स सीरीज में जुड़े हुए हैं, अभी तो दो सेल्स की हमने बात करी, एन सेल्स कनेक्टेड हैं और एन की संख्या कुछ भी हो सकती है, तो इसी चीज़ को एक्सप्लोर कर दें अगर हम इसी इक्वेशन को जो हमने रिजल्ट ऑब्टेन किया, तो ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री और जितने भी सेल्स होंगे उन सबका एल्जेब्रिक सम ले लेंगे, सबकी ईएमएफ का एल्जेब्रिक सम लेंगे, मान लो ये इक्वेशन नंबर तीन होगा। वैसे ही इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की बात करें तो उसके लिए भी यही फॉर्मूला जो है एक्सप्लोर होकर के एक्सपेंड होकर के आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री एंड डॉट डॉट अप टू आर एन हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि कोई सेल जो है ये उल्टा कनेक्टेड है, जैसे मान लो कि एक सेल ऐसे कनेक्टेड है, एक दूसरा सेल जो है इस तरह से कनेक्ट हो गया कि एक के नेगेटिव के साथ दूसरे का नेगेटिव कनेक्ट हो गया, तो अब ये कनेक्शन उल्टा हो गया, तो ऐसी स्थिति में उस दूसरे जो सेल उल्टा कनेक्टेड होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में उसकी ईएमएफ को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, और तब जो रिजल्ट होगा इक्विवेलेंट ईएमएफ का वो हमारा, मान लो कि दूसरा सेल जो है उल्टा कनेक्टेड है,
ठीक है, तो उसकी ईएमएफ को हम नेगेटिव लेंगे, तो जो इक्विवेलेंट ईएमएफ हो जाएगा इस परिस्थिति में ई वन माइनस ई टू हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस फिर चूंकि तीसरा सेल सीरीज में है जैसे नॉर्मल कनेक्शन है, ठीक है, तो ऐसे ही सबका, तो मान लो कि एक सेल उल्टा कनेक्टेड है सेकेंड वाला, तो उसकी ईएमएफ को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। अगर और कोई सेल उल्टा कनेक्टेड है तो उसकी भी ईएमएफ को हमें इस इक्विवेलेंट ईएमएफ फाइंड करने के समय नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद है इस सीरीज कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू निकालना हम सीख गए, ठीक है। अब बात करते हैं सेल्स इन पैरेलल की, तो बहुत सारे सेल्स पैरेलल में जुड़े हुए तब माने जाएंगे जब सबके पॉजिटिव टर्मिनल्स जो हैं एक ही पॉइंट से जुड़ रहे हों और सबके नेगेटिव टर्मिनल्स जो हैं सेम पॉइंट से जुड़ रहे हों। तो क्या है डेफिनेशन, व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ ऑल द सेल्स आर कनेक्टेड टू वन पॉइंट एंड ऑल देयर नेगेटिव टर्मिनल्स टू अनदर पॉइंट, अगर ऐसी स्थिति हो, ठीक है, तो सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल एज सोम। तो ये दो सेल्स दिखलाए गए हैं, ठीक है, इनके पॉजिटिव टर्मिनल्स देख रहे हो, ये बी वन और अल्टीमेटली ए से जुड़ रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल्स जो हैं सबके कॉमन पॉइंट जो है बी टू से और अल्टीमेटली सी से जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो एक बात तो तय हो गया कि मान लो कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, वैसे ही जैसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने लिया था, मान लो कि इन सेल्स की ईएमएफ वैल्यूज ई वन ई टू है, इनके इंटरनल रेसिस्टेंस आर वन और आर टू है रिस्पेक्टिवली, और ये आपस में सीरीज के बजाय ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं जैसे यहाँ दिखलाया गया बिटवीन ए एंड सी, ठीक है, या यूं कहो बिटवीन बी वन एंड बी टू। तो अब चूंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो किसी एक्सटर्नल लोड से अगर कनेक्ट कर दिया जाए जो दिखलाया नहीं गया है यहाँ पर, तो उस एक्सटर्नल लोड से कनेक्ट करके सर्किट कंप्लीट करने पर मान लो कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन आई एम्पियर का करंट उस लोड को भेज रहा है, तो वो आई एम्पियर का करंट वापस ए से निकल करके एक्सटर्नल लोड से होते हुए सी को बैक आएगा, और फिर सी से जब यहाँ बी टू पॉइंट पहुँचेगा तो यहाँ दो ब्रांच उसको दिख रहे हैं, कुछ करंट जो है इस फर्स्ट सेल से होकर जाएगा, मान लो कि आई वन करंट जा रहा है फर्स्ट सेल से, मान लो कि आई टू करंट सेकेंड सेल से जा रहा है, तो एक बात तो तय है कि यही आई जो है डिस्ट्रीब्यूट होकर के आई वन एंड आई टू में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो हम कह सकते हैं कि आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, और फिर ये आई वन करंट जो है इस सेल नंबर वन से पास करके फाइनली जो है फिर यहाँ बी वन पॉइंट को आएगा, फिर यहाँ से आई टू करंट जो है दूसरे सेल से होते हुए ये बी वन पॉइंट को आकर के फिर से ये ज्वाइन हो जाएगा और करंट जो है आई वन प्लस यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फिर यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो गया इस करंट का, तो हम कह सकते हैं कि आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। तो मान लो कि ये इक्वेशन नंबर वन है। अच्छा, एक और बात देख रहे होगे, तो क्योंकि सभी सेल्स पैरेलल में हैं, सेम पेयर ऑफ पॉइंट्स के बीच सबके पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स कनेक्टेड हैं, तो इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी वो सब सेम होगी इस केस में। याद करो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सेम हुआ करती थी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में बी वन और बी टू सेम पेयर ऑफ पॉइंट्स के बीच ये सभी सेल्स, अभी तो दो ही दिखलाए गए, तो ये दोनों सेल्स कनेक्टेड हैं, तो इन बी वन और बी टू के बीच की वोल्टेज जो है, या यूं कहो कि इन दोनों सेल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो सेम होगा। मान लो कि वो वी है, तो वी के लिए हम क्या करेंगे, मान लो कि ये पहला सेल E1 EMF वाला है जिसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे V is equal to E1 minus I1 R1 लिखेंगे, ठीक है, और यहां से आप इसको I1 R1 को अगर हम इधर कर दें, V को उधर भेज दें राइट हैंड साइड को, तो ये, और फिर I1 को आइसोलेट करें, तो I1 is equal to E1 minus V upon R1 हो जाएगा, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 कहलाएगा। इसी तरह से इस दूसरे वाले सेल से इसके टर्मिनल्स पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे V इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2, और यहाँ से जैसे इक्वेशन नंबर 2 में I1 की वैल्यू निकली थी, यहाँ इक्वेशन नंबर 3 के रूप में ये I2 की वैल्यू जो होगी वो E2 माइनस V अपॉन R2 होगी। यहाँ ये समझने की बात है कि ये जो V है, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों सेल्स के अक्रॉस सेम है बिकॉज बोथ द सेल्स आर कनेक्टेड बिटवीन सेम पेयर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, तो I2 की वैल्यू यहाँ से इतनी हो गई। फ्रॉम 1, 2 एंड 3, फर्स्ट इक्वेशन में I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है, और सेकंड इक्वेशन में हमने I1 और थर्ड में I2 की वैल्यू निकाल ली, तो फर्स्ट इक्वेशन से I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 की जगह हम पुट करते हैं I1 की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से E1 माइनस V अपॉन R1, और थर्ड इक्वेशन से I2 इज इक्वल टू E2 माइनस V अपॉन R2 होगी, ठीक है। इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो E1 अपॉन R1 माइनस बी अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस बी अपॉन R2, अगर EMF वाले टर्म्स को एक जगह हम कर लें तो हम इसको अलग से लिख सकते हैं रीअरेंज करके कि E1 अपॉन R1
प्लस ई टू अपन आर टू माइनस वी अपन आर वन माइनस वी अपन आर टू में वी कॉमन हो गया तो वी कॉमन करके इंटू ब्रैकेट में वन अपन आर वन प्लस वन अपन आर टू लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक के स्टेप्स मुझे उम्मीद है क्लियर है। ठीक है, इसको मैं अलग से लिख रहा हूँ ताकि क्लियरली दिखाई दे आपको विजुअल। यानी कि आई की वैल्यू कितनी हो गई, वन अपॉन आर वन प्लस ई टू अपॉन आर टू माइनस बी इंटू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फोर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आई की वैल्यू को हम लिख सकते हैं यहाँ आर वन आर टू के, चलो पहले में इनका एलसीएम लेंगे तो आर वन आर टू एलसीएम हो गया, फिर यहाँ आर वन से डिवाइड करोगे आर टू बचेगा, आर टू से मल्टीप्लाई होगा ई वन, ये ई वन आर टू प्लस यहाँ पर वैसे ही ई टू आर वन हो जाएगा, आर टू से डिवाइड करने पर यहाँ आर वन बचेगा, आर वन को ई टू से मल्टीप्लाई करो ई टू आर वन हो जाएगा, माइनस यहाँ बी कॉमन है और फिर यहां पर इस ब्रैकेट के अंदर की चीजें जो है उनको सिंप्लीफाई होकर के R1 R2 LCM हो गया और ये आपका न्यूमरेटर में R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक स्टेप क्लियर। और अब यहां से इस B into इस टर्म को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को लाएं और I को अगर हम राइट हैंड साइड को भेज दें तो ये बन जाएगा आपका V into R1 plus R2 upon R1 R2 is equal to E1 R2 plus E2 R1 upon R1 R2, अब माइनस I ट्रांसपोज हो गया राइट को। ठीक है, और यहाँ से B की वैल्यू हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 से हम क्या करेंगे, इन राइट हैंड साइड के इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करेंगे, तो ये टर्म जब डिवाइड होगा R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 से तो तुम देखो R1 R2 डिवाइड होने के बाद न्यूमरेटर में चला जाएगा तो R1 R2 से ये R1 R2 कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म R1 प्लस R2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो एक्चुअल में ये जब डिवाइड होगा इससे तो ये बन जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 बन जाएगा, माइनस I ये जब डिवाइड होगा इस टर्म से तो यहाँ R1 R2 ऊपर आ गया तो I into R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फिफ्थ। ठीक है, अब मान लो कि इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट सेल जो है ये है। ठीक है, एक सिंगल सेल है जिसकी इक्विवेलेंट ईएमएफ इक्विवेलेंट है और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट है, तो जाहिर सी बात है कि ये सेल जो होगा ये दोनों सेल मिलकर जो काम कर रहे हैं वो अकेला काम करेगा और ये ए और सी के बीच ही कनेक्टेड होगा, जैसे ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है ए और सी के बीच जुड़ा था तो ये सिंगल सेल जो कि इक्विवेलेंट सेल है इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का दैट शुड ऑल्सो बी कनेक्टेड बिटवीन द सेम पेयर ऑफ पॉइंट्स, यानी कि ए और सी के बीच ही कनेक्ट होना चाहिए। तो मान लो कि ये जो इक्विवेलेंट सेल है वो उसी एक्सटर्नल लोड से कनेक्ट हो करके क्या कर रहा है, आई एम्पियर का करंट सेंड कर रहा है। ठीक है, और इसकी इंटरनल रेसिस्टेंस हम मान लेते हैं आर इक्विवेलेंट है, तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए इक्वेशन, इसके टर्मिनल्स चूंकि ए और सी के बीच ही कनेक्टेड है तो इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होना चाहिए जितना इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्रॉस, तो वी जो है इसके बारे में हम लिखेंगे V इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट, जैसा हमने सेल नंबर ई वन के लिए सेल नंबर वन के लिए और टू के लिए लिखा है वैसा इक्विवेलेंट सेल के लिए इक्वेशन लिखेंगे, बिकॉज दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड बिटवीन ए एंड सी तो इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा, V इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। मान लो ये इक्वेशन नंबर हमारा सिक्स्थ हो गया, तो फिफ्थ और सिक्स्थ को देखो लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों के सेम है तो राइट हैंड साइड को इक्वल होना पड़ेगा। अब जरा RHS को कंपेयर करते हैं तो ये देखो E इक्विवेलेंट की जगह पर ये जो फिफ्थ इक्वेशन है इसमें क्या है E1 R2 plus E2 R1 upon R1 plus R2 है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि E इक्विवेलेंट जो है इस इक्विवेलेंट सेल की जो इक्विवेलेंट EMF होगी वो E1 R2 plus E2 R1 upon R1 plus R2 होगी, इसको हम सेवेंथ इक्वेशन नाम देते थे। और साथ ही जरा हम कंपैरिजन करें R इक्विवेलेंट की जगह यहाँ पर क्या है फिफ्थ इक्वेशन में, तो I वाला टर्म तो यहाँ भी है तो R इक्विवेलेंट कंपेयर करने पर आपका R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 आ जाएगा, ये आपका इक्वेशन नंबर एट्थ हो गया। ठीक है, अब ये भी देखो अगर हम इक्वेशन नंबर सेवेंथ को एट से डिवाइड कर दें E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट कर दें तो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट जब करेंगे तो होगा ये कि R1 प्लस R2 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और जो कुछ बचेगा वो है इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ई वन अपॉन आर वन प्लस ई टू अपॉन आर टू। साथ ही अगर आर इक्विवेलेंट का रेसिप्रोकल हम कर दें तो वन अपॉन आर इक्विवेलेंट करने पर आर वन प्लस आर टू ऊपर चला जाएगा आर वन आर टू नीचे आएगा, तो हम कह सकते हैं कि वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। ठीक है, और मान लो कि ये तो दो सेल की बात हुई
तो अगर बहुत सारे सेल्स एंड सेल्स कनेक्टेड हैं पैरेलल में, तो उनके लिए हम लिखेंगे इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस तीसरे के लिए ऐसे ही, चौथे के लिए ऐसे ही, एन सेल के लिए हम EN अपॉन RN, ऐसे करके हम इसको एक्सप्लोर कर देंगे। और यहाँ पर रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होगा वो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस अप टू 1 अपॉन RN तक हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि एन सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो उनके लिए हम इक्विवेलेंट EMF और जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस है उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अगर दो सेल्स हो पैरेलल में तो ये रेडीमेड फार्मूला याद रखिएगा, याद कर जाइएगा आप लोग, आगे जो न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे उसमें डायरेक्टली हम इन फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। और इनको लर्न करना भी सीखिए कैसे याद करेंगे, इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस सिमिलरली E2 अपॉन R2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक आपका हमारा समाप्त हुआ। अब आगे देखते हैं कि कैसे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स जो है वो क्या कैसे ग्रुपिंग करें ताकि मैक्सिमम करंट ऑप्टेन किया जा सके, इसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। आज के लिए इतना ही, अभी के लिए थैंक यू।